हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा पेन ड्राइव नॉट डिटेक्टिंग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे अपना टीवी शुरू कर दिया और पेन ड्राइव उसे कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए पहले हम सेट टॉप बॉक्स को ऑफ कर देते हैं। ये सेट टॉप बॉक्स का रिमोट है, मैं सेट टॉप बॉक्स को ऑफ कर देता हूँ और एक टीवी के रिमोट से हम सोर्स के बटन को सिलेक्ट करेंगे। तो बहुत से लोगों को इधर भी प्रॉब्लम है कि सोर्स का बटन हमारे रिमोट पे नहीं है, तो उसके अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन होगा जिससे आप यूएसबी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सके। तो चलिए हम यूएसबी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नो डिवाइस दिखा रहा है, मतलब हमारे पेन ड्राइव हमारे टीवी में डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे मैं मेरा पेन ड्राइव को कनेक्ट कर दूंगा। तो चलिए अब हम माय पीसी में चलते हैं, वहाँ से हम हमारे पेन ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे पेन ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ में हमारा पेन ड्राइव का फॉर्मेट NTFS दिखा रहा है, तो हम इसे अभी फॉर्मेट करेंगे। यहाँ पे हम NTFS फॉर्मेट की जगह FAT32 फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि FAT32 फॉर्मेट ही टीवी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हमारी पेन ड्राइव की प्रॉपर्टीज फिर से चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे FAT32 फॉर्मेट दिखा रहा है। तो चलिए अब हम हमारे पेन ड्राइव को टीवी को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने हमारा पेन ड्राइव टीवी को कनेक्ट कर दिया है। अब हम सेम प्रोसेस करेंगे। पहले हम सोर्स के बटन को क्लिक करके यूएसबी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर के साइड में पेन ड्राइव डिटेक्टेड दिखा रहा है। अब हम मूवीज़ में जाके वीडियो को प्ले करके दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सॉन्ग प्ले हो चुका है और हमारा पेन ड्राइव भी डिटेक्ट हो रहा है। मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ कि हमारा पेन ड्राइव यहाँ पे अभी डिटेक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं USB 2.0 शो कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।